नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे पर सोमवार को अंतिम मोहर लग गई। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा 100 सीटों पर, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी 40, आरएलएसपी 23 और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी के कुछ उम्मीदवार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। शाह ने कहा कि सीटों के बंटवारे का फैसला हमने एकजुट होकर लिया है। बिहार में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन बिखर चुका है, इसके मुखिया मुलायम सिंह यादव ही अलग हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में ट्रक पलटने से 16 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में भवन निर्माण संबंधी सामग्री ले जा रहे एक ट्रक के सोमवार को पलट जाने से उसमें सवार कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। जिला कलेक्टर एच अरुण कुमार ने बताया कि जिले के गंडेपल्ली गांव में सड़क के किनारे सोमवार को तड़के 12 टायरों वाला ट्रक पलट गया। इसके कारण पीड़ित ट्रक में रखी भवन निर्माण सामग्री के नीचे दब गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। ट्रक में 35 कृषि मजदूर सवार थे। बैंकॉक के ब्रह्मा मंदिर विस्फोट मामले में 3 हिरासत में। मलेशिया पुलिस के महानिरीक्षक खालिद अबू बकर ने बताया कि बैंकॉक के ब्रह्मा मंदिर में हुए विस्फोट मामले में 1 पाकिस्तानी और 2 मलेशियाई व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। 17 अगस्त को हुए इस विस्फोट में 20 लोग मारे गए थे। हालांकि खालिद ने यह भी कहा कि ये संदिग्ध अभी तक थाई पुलिस को सौंपे नहीं गए हैं। तालिबान ने जेल पर हमला कर सैकड़ों कैदी छुड़ाए। तालिबानी आतंकवादियों ने पूर्वी अफगान प्रांत गजनी के मुख्य कारागार में हमला कर कुछ पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी और सैकड़ों कैदियों को वहां से छुड़ा लिया। उपप्रांतीय गवर्नर मोहम्मद अली अहमदी ने बताया कि हमले के बाद 352 कैदी जेल से भाग गए, जबकि अफगानिस्तान के गृह मंत्री ने बताया कि 400 कैदी जेल से भागे हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।